आज हमारे पास जावास्क्रिप्ट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास एक यूजर क्लास है। इस क्लास के अंदर हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है और एक लॉगिन फंक्शन है। उसके बाद हम इस यूजर क्लास का यूज करके दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, यूजर वन और यूजर टू। और फिर उसके बाद हम सिंपली ये चेक कर रहे हैं कि क्या दोनों ऑब्जेक्ट सेम लॉगिन फंक्शन को पॉइंट कर रहे हैं या अलग अलग, और हमें बताना है कंसोल में क्या लॉग होगा। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे कंसोल में हमें ट्रू देखने को मिलेगा, बिकॉज जब भी हम एक क्लास यूज हैं और जो भी चीज हम कंस्ट्रक्टर में लिखते हैं सिर्फ वही चीज हर ऑब्जेक्ट के लिए क्रिएट होती है, जो बाकी चीजें हैं वो उस क्लास के प्रोटोटाइप चेन में जाके ऐड हो जाती हैं और वो चीजें रीयूज होती हैं। सो दैट अगर मैं एक क्लास का यूज करके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करूं तो हर ऑब्जेक्ट के लिए मल्टीपल फंक्शंस क्रिएट ना हो और एक क्लास बिहाइंड द सीन एक फंक्शन ही होती है। सो अगर मैं इस यूजर क्लास को एक फंक्शन में कन्वर्ट करूं तो हमें कुछ इस तरह का कोड देखने को मिलेगा। सिंपली एक यूजर फंक्शन है और हमने यूजर फंक्शन के प्रोटोटाइप चेन में लॉगिन फंक्शन को ऐड किया है। सो यही रीजन है कि कंसोल में हमें ट्रू देखने को मिला, बिकॉज जो लॉगिन फंक्शन है वो सिंपली सेम इंस्टेंस को ही पॉइंट कर रहा है। और आप इस बात का ध्यान रखो कि जब भी आप क्लास को यूज करते हो तो जो भी चीजें आप कंस्ट्रक्टर में लिखते हो सिर्फ वही चीजें हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग क्रिएट होती हैं, और जो बाकी चीजें हैं वो सिंपली प्रोटोटाइप चेन में ऐड होती हैं और वो हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम होती हैं, सो दैट हम मेमोरी के स्पेस को सेव कर सकें।